पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के जिला अस्पताल पहुंचे उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने जिला अस्पताल में मौजूद बच्चों और मरीजों का हाल जाना। तीसरी लहर के मद्देनजर की जा रही व्यवस्थाओं को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम के साथ मिलकर मरीजों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने कहा कि तीसरी लहर के संकेत के बाद सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। इस दौरान बात करते हुए कहा कि जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई उनका जायजा लेना भी बहुत जरूरी है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मरीजों की व्यवस्थाओं के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उनको भी जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। आज दो तीन बातें थी। एक तो ये था कि मुरादाबाद में कल एक दुर्घटना हुई है जिसमें पिकअप और बस के बीच में टक्कर हुई थी, तो उसके कुछ जो घायल अपने मरीज थे उनको देखने आया था। उनके साथ एक दो बच्चे मैंने पढ़े थे, तो मैंने बच्चों के हालचाल जानने आया था। तो यहाँ पता लगा था कि जो वैसे सीरियस पेशेंट थे उनको रेफर कर दिया गया है और बाकी को प्राथमिक चिकित्सा दे के उनके घरों पर भेज दिया गया है। बाकी जब हम यहाँ अस्पताल, दूसरा हमारा मुद्दा था कि जो तीसरी लहर की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, मुख्यमंत्री जी उसको लेके बहुत हर उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि हमारे बड़े अस्पतालों में 100-100 बेड के वार्ड बच्चों के लिए और जो छोटे अस्पताल हैं वो 30-40 बेड के वार्ड तैयार होने चाहिए। तो आज यहाँ मुरादाबाद में देख कर लगा कि तैयारी पूरी है। 40 बेड के लिए बच्चों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है, यहाँ कंसंट्रेटर की व्यवस्था है, सेंट्रल ऑक्सीजन की लाइन यहाँ पर तैयार है। उसके लिए जो एसेसरीज की ज़रूरत है वो एसेसरीज यहाँ तैयार है। दवाइयों का पता लगा कि दवाइयाँ भी तैयार हैं। तो ये मुरादाबाद का जिला चिकित्सालय है तीसरी लहर के लिए पूर्ण तैयार है और सभी डॉक्टर्स की प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। उसमें हमारे जो पीकू वार्ड में जिनकी तैनाती रहेगी, वो चाहे सपोर्टिव स्टाफ है, चाहे वो एनेस्थेसिस्ट है और चाहे वो पेडियाट्रिशियंस है, बाल रोग विशेषज्ञ, उन सभी की प्रशिक्षण चालू कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि ये मुरादाबाद का जिला चिकित्सालय बच्चों की तकलीफों को देखने के लिए आने वाले समय में कोविड के कोई भी लक्षण आता है तो ये अस्पताल पूरी तरीके से सुसज्जित है, तैयार है। थैंक यू। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।